हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तथा यह हमारा 36वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिव्यू टैब के बारे में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे तथा आप इनसे कुछ सीख पा रहे होंगे। कृपया इन वीडियोज को अपने दोस्तों से भी शेयर करें तथा टॉपिक को पूरा समझने के लिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें तथा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहें। अब बिना देरी किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड का रिव्यू टैब ऑप्शन, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। रिव्यू टैब। द रिव्यू टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 हैज गॉट सम इम्पोर्टेंट कमांड्स दैट यू कैन यूज टू मॉडिफाई योर डॉक्यूमेंट। द रिव्यू टैब इज यूजफुल इन अ नंबर ऑफ वेज। यानी इसका अर्थ है कि रिव्यू टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 के रिव्यू टैब में कुछ महत्वपूर्ण कमांड हैं जिनका उपयोग आप अपने दस्तावेज को करने के लिए कर सकते हैं। रिव्यू टैब कई मायनों में उपयोगी है। हमारा अगला टॉपिक है एमएस वर्ड का प्रूफिंग ग्रुप। स्पेलिंग एंड ग्रामर। द स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल आर यूज्ड फॉर चेकिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ योर डॉक्यूमेंट। अपॉन क्लिकिंग ऑन दिस टूल, द स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग अपीयर्स। इट विल डिस्प्ले द वर्ड दैट इज नॉट इन द डिक्शनरी एंड गिव यू सजेशंस। It is upon you to accept or reject the suggestion or to type the correct word if it is not among the suggested ones. Yani iska arth hai ki spelling and grammar tool aapke dastavej ki spelling and grammar ki jaanch ke liye use kiya jata hai. Is tool par click karne par spelling and grammar dialog hota hai. Yah us shabd ko pradarshit karega jo dictionary mein nahi hai aur aapko sujhav dega. सुझाव को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना या यदि वह सुझाए गए शब्दों में से नहीं है तो सही शब्द टाइप करना आप पर निर्भर है। हमारा अगला टॉपिक है रिसर्च। द रिसर्च टूल लॉन्चेस द रिसर्च टास्क पेन दैट इज यूज्ड टू सर्च थ्रू रेफरेंस मटेरियल्स सच एज डिक्शनरीज, इनसाइक्लोपीडियाज एंड ट्रांसलेशनल सर्विसेज। यानी इसका अर्थ है कि रिसर्च टूल रिसर्च टास्क पेन लॉन्च करता है जिसका उपयोग सर्च थ्रू रेफरेंस मटेरियल्स सच एज डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडियास एंड ट्रांसलेशनल सर्विसेज के माध्यम से खोजने के लिए किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है थिसोरस। टॉगल्स द डिस्प्ले ऑफ द रिसर्च टास्क पेन डिफॉल्टिंग द रिसर्च सर्विस टू द थिसोरस। यानी इसका अर्थ है कि रिसर्च सर्विस को थिसोरस में डिफॉल्ट करते हुए रिसर्च सर्विस पेन के प्रदर्शन को टॉगल कर देता है। हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसलेट। दिस कमांड इज फॉर ट्रांसलेटिंग सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू अ डिफरेंट लैंग्वेज। यानी इसका अर्थ है कि यह कमांड सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए यूज होती है। हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप। दिस इज फॉर एनेबलिंग अ स्क्रीन टिप दैट ट्रांसलेट्स वर्ड्स व्हेन यू मूव योर माउस ओवर देम इनटू अनदर लैंग्वेज। यानी इसका अर्थ है कि यह एक स्क्रीन टिप को एनेबलिंग करने के लिए है जो शब्दों पर अपना माउस ले जाने पर उनका दूसरी भाषा में अनुवाद करता है। हमारा अगला टॉपिक है सेट लैंग्वेज। The set language command is used to set the language used to check the spelling and grammar of the selected text. Yani iska arth hai ki set language command ka upyog selected text ki spelling and grammar ki jaanch karne ke liye upyog ki jane wali bhasha ko set karne ke liye kiya jata hai. Hamara agla topic hai word count. Use this tool to find out the number of words, characters, paragraphs and lines you have in the document. Word count is also found on the status bar at the bottom of the window. You can customize it by right-clicking on it to set what you want to display. Yani iska arth hai ki dastavej mein aapke paas maujood words, characters aur lines ki sankhya janne ke liye is tool ka upyog karein. Word count window. Window ke niche status bar par bhi pai jati hai. Aap jo pradarshit karna chahte hain, use set karne ke liye aap is par right-click karke ise customize kar sakte hain. Hamara agla topic hai MS Word ka comments group. New comment. This command adds a comment about the part you have selected. Yani iska arth hai ki yah command aapke dwara selected bhag ke bare mein ek comment jodta hai. Hamara agla topic hai delete. This command deletes the selected comment. Yani iska arth hai ki yah command selected comment ko hata deta hai. Hamara agla topic hai previous. This command helps you to navigate to the previous comment. Yani iska arth hai ki यह कमांड आपको प्रीवियस कमेंट पर नेविगेट करने में मदद करता है। हमारा अगला टॉपिक है नेक्स्ट। यूज दिस कमांड टू नेविगेट टू द नेक्स्ट कमेंट इन द डॉक्यूमेंट। यानी इसका अर्थ है कि
डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट कमेंट पर जाने के लिए इस कमांड का उपयोग करें। हमारा अगला टॉपिक है इंक कमेंट। लेट्स यू हैंडराइट नोट्स डायरेक्टली ऑन टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट, परफेक्ट फॉर टच स्क्रीन्स और स्टाइलस यूज, एनहांसिंग फीडबैक एंड नोट टेकिंग। यानी इसका अर्थ है कि आपको सीधे वर्ड डॉक्यूमेंट पर हाथ से नोट्स लिखने की सुविधा देता है, जो टच स्क्रीन या स्टाइलस के उपयोग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, फीडबैक और नोट लेने की क्षमता को बढ़ाता है। हमारा अगला टॉपिक है एमएस वर्ड का ट्रैकिंग ग्रुप। ट्रैक चेंजेस। यूज दिस कमांड टू ट्रैक ऑल चेंजेस मेड टू द डॉक्यूमेंट, इंक्लूडिंग इंसर्शंस, डिलीशंस एंड फॉर्मेटिंग चेंजेस। यानी इसका अर्थ है कि डॉक्यूमेंट में किए गए सभी चेंजेस को ट्रैक करने के लिए इस कमांड का उपयोग करें, इंक्लूडिंग इंसर्शंस, डिलीशंस और फॉर्मेटिंग चेंजेस शामिल हैं। हमारा अगला टॉपिक है बलून्स। बलून्स हेल्प्स यू टू चूज हाउ टू शो रिविजन्स टू द डॉक्यूमेंट। देयर आर टू वेज ऑफ शोइंग रिविजन्स, वन बाय शोइंग बलून्स इन द मार्जिन्स ऑफ द डॉक्यूमेंट और शोइंग देम डायरेक्टली विद इन द डॉक्यूमेंट। यानी इसका अर्थ है कि बलून्स डॉक्यूमेंट में रिविजन्स दिखाने का तरीका चुनने में मदद करते हैं। रिविजन्स दिखाने के दो तरीके हैं, एक तो डॉक्यूमेंट के मार्जिन्स में बलून्स दिखाकर या उन्हें सीधे डॉक्यूमेंट के भीतर दिखाकर। हमारा अगला टॉपिक है फाइनल शोइंग मार्कअप। दिस कमांड विल हेल्प यू टू चूज हाउ टू व्यू द प्रपोज्ड चेंजेस टू द डॉक्यूमेंट। द फाइनल ऑप्शन शोज द डॉक्यूमेंट विद ऑल प्रपोज्ड चेंजेस इंक्लूडेड। ओरिजिनल ऑप्शन शोज द डॉक्यूमेंट बिफोर एनी चेंजेस वर मेड। Markup shows what changes have been proposed. यानी इसका अर्थ है कि यह कमांड आपको दस्तावेज में प्रपोज्ड चेंज को देखने का तरीका चुनने में मदद करेगा। फाइनल ऑप्शन दस्तावेज को सभी प्रपोज्ड चेंजेस के साथ दिखाता है, ओरिजिनल ऑप्शन किसी भी बदलाव से पहले दस्तावेज को दिखाता है। मार्कअप से पता चलता है कि क्या चेंजेस प्रपोज्ड किए गए हैं। हमारा अगला टॉपिक है शो मार्कअप। This command helps you to choose what kind of markup to show in the document. You can hide or show comments, insertions and deletions, formatting changes and other kinds of markups. यानी इसका अर्थ है कि यह कमांड आपको यह चुनने में मदद करता है कि दस्तावेज में किस प्रकार का मार्कअप दिखाना है। आप कमेंट्स, इंसर्शंस एंड डिलीशंस, फॉर्मेटिंग चेंजेस और अन्य प्रकार के मार्कअप छिपा या दिखा सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रिव्यूइंग पेन। The reviewing pane helps you to show revisions in a separate window. You can use either the horizontal or the vertical reviewing pane. यानी इसका अर्थ है कि reviewing pane आपको एक अलग विंडो में revisions दिखाने में मदद करता है। आप horizontal या vertical reviewing pane का उपयोग कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है MS Word का changes group. Accept. Use the accept command to accept the change and move to the next proposed change. Accept change, accept all changes shown, or accept all changes in the document. यानी इसका अर्थ है कि accept the change और अगले change पर जाने, accept changes करने, दिखाए गए सभी changes को करने, या दस्तावेज में सभी changes को accept करने के लिए accept command का उपयोग करें। हमारा अगला टॉपिक है रिजेक्ट। यूज दिस कमांड टू रिजेक्ट द करंट चेंज एंड मूव टू द नेक्स्ट प्रपोज्ड चेंज। रिजेक्ट चेंज, रिजेक्ट ऑल चेंजेस शोन और रिजेक्ट ऑल चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट। यानी इसका अर्थ है कि करंट चेंज को अस्वीकार करने और अगले प्रपोज्ड चेंज पर जाने को रिजेक्ट करने, दिखाए गए सभी चेंज को रिजेक्ट करने या दस्तावेज में सभी चेंज को रिजेक्ट करने के लिए इस कमांड का उपयोग करें। हमारा अगला टॉपिक है प्रीवियस। Navigate to the previous revision that has been carried out in the document so that you either accept it or reject it. यानी इसका अर्थ है कि दस्तावेज में किए गए previous revision पर जाए ताकि आप या तो इसे accept करें या reject करें। हमारा अगला topic है next. Use this command to navigate to the next revision in the document so as to accept or reject it. यानी इसका अर्थ है कि दस्तावेज में नेक्स्ट रिवीजन पर जाने के लिए इस कमांड का उपयोग करें ताकि इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सके। हमारा अगला टॉपिक है एमएस वर्ड का कंपेयर ग्रुप। कंपेयर, कंपेयर और कंबाइन मल्टीपल वर्जन्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। यानी इसका अर्थ है कि किसी दस्तावेज के मल्टीपल वर्जन्स की तुलना करना या उन्हें कंबाइन करना। हमारा अगला टॉपिक है एमएस वर्ड का प्रोटेक्ट ग्रुप। Protect document. This command gives you the power to restrict how people can access the document. You can restrict formatting and editing, restrict access, manage credentials, or give people unrestricted access. यानी इसका अर्थ है कि
कमांड आपको यह रिस्ट्रिक्टेड करने की शक्ति देता है कि लोग दस्तावेज तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप फॉर्मेटिंग और एडिटिंग को रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं, पहुंच को रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं, क्रेडेंशियल मैनेज कर सकते हैं या लोगों को अनरिस्ट्रिक्टेड पहुंच दे सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एमएस वर्ड का इंक ग्रुप। द इंक ग्रुप इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स रिव्यू टैब प्रोवाइड्स टूल्स फॉर डिजिटल इंक एनोटेशंस, अलाउइंग यूजर्स टू ड्रॉ, हाईलाइट एंड मेक हैंड रिटन नोट्स डायरेक्टली ऑन देयर डॉक्यूमेंट्स। These features are particularly useful for touchscreen devices or stylus input, enhancing collaboration and markup capabilities. यानी इसका अर्थ है कि Microsoft Word के review tab में ink समूह digital ink annotation के लिए tools provides करता है, जो को सीधे अपने दस्तावेजों पर चित्र बनाने, highlight करने और handwritten notes बनाने की अनुमति देता है। ये सुविधाएं विशेष रूप से touchscreen device या stylus input के लिए उपयोगी हैं, जो कोलैबोरेशन और मार्कअप क्षमताओं को बढ़ाती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें।